इस राष्ट्र में सभी धर्मों का सम्मान है और सभी धर्मों के प्रति समभाव है, और वो भाव पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। सबको मिलाकर लेके चलने का हम लोगों की जो परंपरा और मानसिकता है उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सदन और सदस्यों के भाव को विधानसभा अध्यक्ष के नाते हमारी प्राथमिकता है। लेकिन बीजेपी के नेता विधायकों का कहना है कि अगर कोई नमाज की व्यवस्था मांग रहा है तो हमें भी पीपल का पेड़, केला का पेड़, मंदिर चाहिए, बजरंगबली का पूजा करेंगे, तो आखिर विधानसभा है, लोकतंत्र, अपनी संस्कृति और परंपरा का सम्मान हम सबों का कर्तव्य है और उसको प्राथमिकता में हम लोग ले रहे हैं, लेकिन धर्मनिरपेक्षता की भाव सबके प्रति समान भाव है। तो क्या माना है आप सामने रोटरी क्लब के कार्यक्रम में? एक और चीज सर, जो पुलिस अधिकारी थे जिनके खिलाफ कार्रवाई कब तक होगी जो आपके साथ? वो विशेषाधिकार कमेटी देख रही है, कमेटी की बैठक मंगलवार को है, 15 तारीख को, उसमें हम लोग देखेंगे। आपके बयान से क्या लगता है, धर्म निरपेक्षता की आप बात कर रहे हैं, आप सभी धर्मों की व्यवस्था करेंगे आप विधान परिषद में? देखिए, मैं बता दूं कि भारत के संविधान में धर्म निरपेक्षता का भाव है, लेकिन उसी संविधान के अंदर अपने धर्म के प्रति भी, हमारी संस्कृति और विरासत के प्रति भी हमारी जिम्मेवारी है और उसका सम्मान हमारी प्राथमिकता है।